टेक्निकल रघु चैनल में सभी का स्वागत है। कृपया चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स लॉक के बारे में आज बताऊंगा और बात करूंगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्स है जो ब्लैक कलर का दिया हुआ है, जो कि 3.3 वोल्ट की पावर सप्लाई से ऑपरेट होता है, जो कि इस बॉक्स के ऊपर दर्शाई हुई है। और इसमें ये जो आप देख रहे हैं लॉक जैसा जो आगे और पीछे हो रहा है, इसी में OTP के द्वारा ये जो गेट और जो दरवाज़ा आप खुला देख रहे हैं, ये इसके द्वारा ये बंद हो जाता है। अब हम इसको बंद करते हैं। देखिए, ये मैंने इसको साइड से हटा दिया है और मैं इस लॉक को अब बंद कर रहा हूँ। चाबी देखिए अभी हॉरिजॉन्टल कंडीशन में है। जैसे ही OTP आ जाएगी तो इसका लॉक ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। देखिए, ये मैंने मूविंग को सिलेक्ट कर दिया है, मूविंग सिलेक्ट हो गया है जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इसको मैंने दो दबा दिया है, ये टाइम ब्लॉक आ गया है। अब यहाँ पर यूनिट पैरामीटर पर मैं जा रहा हूँ। यूनिट पैरामीटर के बाद F2 प्रेस किया है, रिटर्न मोड आ गया है। मीटर का बटन तब तक दबाते रहना है। ERA डोर ओपन एंड क्लोज मीनू, मैं OTP जनरेट कर रहा हूँ। ये देखिए, मैंने OTP जनरेट करने के लिए बी दो नंबर बी साइड को सिलेक्ट करने के लिए मैंने दो नंबर प्रेस कर दिया है, बी आ गया है। अब ये देखिए, मैंने F2 किया, डोर इज़ ओपन, वांट टू क्लोज, मतलब कि डोर अभी ओपन है और मैं इसको बंद कर रहा हूँ। ये मैंने F2 कर दिया है। ये देखिए, ये इस पर OTP CK1 आ गई है। इसको मैं अपने मोबाइल से, जो कि यूजर ने मुझे दिया हुआ है, उससे मैं इसको इस पर टाइप कर रहा हूँ। देखिए, ये टाइप हो रहा है, जो उसके ऊपर है वही चीज इस पर टाइप हो रही है। ये देखिए, टाइप हो रही है। टाइप होकर ये अब जो मोबाइल नंबर है उस पर लेकर OTP को हमने मोबाइल के द्वारा सर्वर को भेजा है, और सर्वर से आने वाले 6 अंकों को हमने मोबाइल से लेकर मशीन पर डाल दिया है, जिससे कि लॉक बंद हो चुका है। धन्यवाद।